हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इमेजरी रिपेयरिंग में। दोस्तों, आज आया है अपने पास ये एलजी का एलईडी टीवी। इसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मॉडल नंबर भी जब कैमरा पास में लाऊंगा तो दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसमें व्हाइट स्पॉट डब्बे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी प्रॉब्लम को आप बिना किसी मल्टीमीटर के, बिना किसी सोल्डरिंग आयरन के या बिना किसी चीज के आप इसको घर में खुद से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखाता हूं और इसका प्रॉब्लम मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं टीवी को ऑन कर रहा हूं, टीवी मैंने ऑन कर दी है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इसका प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। ये इसका मॉडल नंबर है 32LB620B-TA। ये इसका मॉडल है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसका कवर ओपन कर लेता हूँ, सब स्क्रू खोल के इसका कवर ओपन करके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको खोल लिया है। कवर खोलने के बाद आपको यहाँ साइड में ये स्क्रू दिखाई देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में एक यहाँ है, एक यहाँ है। ऐसे में आपको ये चारों तरफ में स्क्रू दिखाई देंगे। ये चारों तरफ के आपको स्क्रू, साइड स्क्रू जो लगे हैं, ये सब खोल लेना है, और इसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने साइड स्क्रू सभी चारों तरफ के साइड में जो लगे थे वो खोल लिए हैं। आपको इसके लिए स्पीकर भी हटाने पड़ेंगे, तो स्पीकर को थोड़ा खींच के ऐसे निकाल लेना है बाहर। तो मैंने स्पीकर हटा दिया है, और यहाँ से ये टेप हटा के और स्पीकर को साइड में कर देना है। स्पीकर के वायर निकाल के यहाँ से सॉकेट से ये वायर्स निकाल के और स्पीकर साइड में रख देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद अपने को ये जो FFC जो केबल है LVDS का, इसको यहाँ से हटा देना है। तो इसको, इसके लिए आपको इसको ऊपर उठाना है और फिर बाद में FFC केबल को निकाल देना है। ये मैंने निकाल दिया है। इसके बाद अपने को यहाँ से ये वाली भी हटानी पड़ेगी। तो यहाँ से ये दो स्क्रू यहाँ पे दिए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों साइड में दो स्क्रू हैं। ये भी मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, एक स्क्रू यहाँ FFC केबल के नीचे में भी दिया है, आपको इसको भी खोलना है और फिर ये जो है इसको निकाल लेना है बाहर में। तो मैं खोल के निकालता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है बाहर में। फ्रेंड्स, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड रख देता हूँ। ये सॉकेट निकाल के जो पावर बटन जो है इसको भी मैं साइड रख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अपने को LCD सीधा करना है, लेकिन सीधा करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लॉक टाइप सिस्टम है यहाँ पे। तो इसको ऐसा कर करके अपने को ये पूरे लॉक्स जो हैं इसमें दिए हैं, ऐसे काफ़ी सारे लॉक्स हैं, इन लॉक्स को अपने को खोल लेना है ऐसा कर करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉक से निकल गया, देखिए आप बाहर, ये छोड़ते लॉक हो गया, ये देखिए। तो ऐसे करके सब लॉक खोल लेना है सीधा करके। LCD को मैं सीधा करूँगा और फिर ये लॉक्स खोलूँगा। तो ये लॉक्स खोल के मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक्स आपको इधर से भी दिखाई देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ लॉक है। तो इसको नॉर्मली अपन ऐसा करके और ऐसे डिस्प्ले पे जोर नहीं पड़ना चाहिए अपना, ऐसे निकाल लेना है। एक ये लॉक और इस लॉक को साथ में पकड़ के निकालेंगे। तो ये देखिए, इस लॉक और इस लॉक को अपन साथ में पकड़ के, ये देखिए फ्रेम ओपन हो गया है, बाहर निकल गया है। इस तरह से आपको भी निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है जो ये डिस्प्ले के साथ में अपना ये जो, ये देखिए आप कोप लगा है, इसका जो PCB है, ये स्केलर PCB इसको हम बोलते हैं, इसको अपने को यहाँ से निकाल लेना है। तो इसके लिए भी यहाँ आप देख सकते हैं प्लास्टिक रबर टाइप के लॉक दिए हैं, ये लॉक्स दिए हैं, इसमें से ये एक साथ ऐसे चौड़ा करके और इनको आराम से निकाल लेना है। ध्यान रहे ये जो कोप है ये ज़्यादा हिल ना पाए। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फ्री कर लिया है यहाँ से PCB। अब इसके बाद हम ये ग्लास को यहाँ से आराम से निकाल लेना है। यहाँ से ग्लास को हम उठा लेंगे और सेफली उठा के साइड में रख देना है। जो डिस्प्ले जो है इसको हम साइड में रख देंगे। तो मैं रख दे रहा हूँ डिस्प्ले को उठा के, यहाँ से आराम से उठाना है हल्के हाथ से। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले उतार के मैंने साइड में रख दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये प्लास्टिक का एक और कवर लगा है, तो इसके नीचे में ये यहाँ भी अपने को ये लॉक्स दिखाई देंगे। ये लॉक्स को ऐसे उठा उठा के और इस प्लास्टिक के फ्रेम को भी निकाल लेना है बाहर में। तो मैं निकाल के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको भी निकाल दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेम को भी मैंने निकाल दिया है, प्लास्टिक का जो फ्रेम लगा था। अभी ये जो रिफ्लेक्टर जो हैं इनको हमें हटा लेना है। यहाँ से जो वाइट कलर के रिफ्लेक्टर दिख रहे हैं इनको हटा के सेफली साइड में रख देना है। तो मैं रख के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।
तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर भी मैंने हटा दिया है। इसके बाद अब आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम इसमें है। तो ये आप फ्रेंड्स एलईडी जो देख रहे हैं, ये देखिए ये सब जो एलईडी आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो लेंस रहता है ये सब के टूट चुके हैं, झड़ चुके हैं। तो इनको क्या करना है, अब वापिस से आपको सब लेंसों को फेविक्विक से जैसा था वैसे के वैसे, बल्ब को फेविक्विक नहीं लगनी चाहिए। ये सारे के सारे लेंस झड़ चुके थे इसके, ये आप देख सकते हैं सब के सब लेंस इसी के अंदर हैं। तो इनको अब अपने को फेविक्विक से वापिस से ऐसे इनके ऊपर एलईडी के ऊपर ऐसे में चिपका देना है और वापिस से जैसा अपन खोले थे वैसा का वैसा टीवी को फिट कर देना है। तो ये काम कंप्लीट करके ये सबको मैं फेविक्विक से चिपका के और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सब लेंसेज जो है एलईडी के ऊपर चिपका दिए हैं। अब हम जैसा जैसा खोले थे वैसा वैसा वापस इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको वापस से फिट कर लिया है। अब मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने सप्लाई दे दी है, स्टैंड बाई रिलीज करा लेता हूँ। आप देख सकते हैं चालू हो गया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अभी कोई इसमें वाइट स्पॉट्स दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।